इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। जेमा 2 टैबलेट PR को खाने के साथ लेना चाहिए। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इसे प्रतिदिन एक ही समय पर नियमित रूप से लें। आपका डॉक्टर तय करेगा कि आपके लिए कौन सी खुराक सबसे अच्छी है और यह आपके रक्त शर्करा के स्तर के अनुसार समय समय पर बदल सकती है कि यह कैसे काम कर रहा है। भले ही आप ठीक महसूस कर रहे हों या आपका ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित हो, इस दवा को लेते रहें। यदि आप अपने चिकित्सक से परामर्श किए बिना इसे बंद कर देते हैं तो आपका रक्त शर्करा का स्तर बढ़ सकता है और आपको गुर्दे की क्षति, अंधापन, तंत्रिका संबंधी समस्याओं और अंगों के नुकसान का खतरा हो सकता है। याद रखें कि यह केवल एक उपचार कार्यक्रम का हिस्सा है जिसमें एक स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और वजन कम करना भी शामिल होना चाहिए जैसा कि आपके डॉक्टर ने सलाह दी है। आपकी जीवन शैली मधुमेह को नियंत्रित करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। जेमा 2 टैबलेट PR का सबसे सामान्य दुष्प्रभाव निम्न रक्त ग्लूकोज स्तर हाइपोग्लाइसीमिया है। सुनिश्चित करें कि आप कम रक्त शर्करा के स्तर के लक्षणों को पहचानते हैं, जैसे कि पसीना आना, चक्कर आना, सिरदर्द और कपकपी, और इससे निपटने का तरीका जानें। इसे रोकने के लिए नियमित भोजन करना महत्वपूर्ण है और हमेशा अपने साथ ग्लूकोज का तेजी से काम करने वाला स्रोत जैसे कि मीठा भोजन या फलों का रस अपने साथ रखें। शराब पीने से आपका रक्त शर्करा का स्तर कम होने का खतरा भी बढ़ सकता है और इससे बचना चाहिए। अन्य दुष्प्रभाव जो इस दवा को लेने पर देखे जा सकते हैं उनमें स्वाद परिवर्तन, जीमा चलना, डायरिया, पेट दर्द, सिरदर्द और ऊपरी श्वास नलिका का संक्रमण शामिल हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि इस दवा से उनका वजन बढ़ गया है। यदि आपको टाइप 1 मधुमेह है, यदि आपको मधुमेह केटोएसिडोसिस आपके रक्त में एसिड का उच्च स्तर है या यदि आपको गुर्दे या यकृत की गंभीर बीमारी है तो आपको इसे नहीं लेना चाहिए। इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको कभी हृदय रोग हुआ है। यह उपयुक्त नहीं हो सकता है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आपके रक्त शर्करा के स्तर की नियमित जांच की जानी चाहिए और आपका डॉक्टर आपके रक्त कोशिकाओं की संख्या और यकृत के कार्य की निगरानी के लिए रक्त परीक्षण की सलाह भी दे सकता है। जेमा टैबलेट PR के लाभ। टाइप 2 मधुमेह मेलिट्स का उपचार। जेमा 2 टैबलेट PR दवाओं का सम्मिश्रण है जो आपके शरीर में अग्न्याशय में बनने वाले इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है। इंसुलिन तब आपके रक्त शर्करा के स्तर को कम करने का काम करता है। इसे सामान्यतया दिन में एक बार लिया जाता है। जब तक निर्धारित किया गया है तब तक आपको इसे लेते रहना चाहिए। रक्त शर्करा के स्तर को कम करना मधुमेह के प्रबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यदि आप स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप मधुमेह की गंभीर जटिलताओं जैसे किडनी की क्षति, आंखों की क्षति, तंत्रिका समस्याओं और अंगों के नुकसान के जोखिम को कम कर देंगे। इस दवा को नियमित रूप से उचित आहार और व्यायाम के साथ लेने से आपको सामान्य स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलेगी। जेमा टैबलेट PR के साइड इफेक्ट। अधिकांश दुष्प्रभावों को किसी भी चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है और गायब हो जाते हैं क्योंकि आपका शरीर दवा में समायोजित हो जाता है। अपने चिकित्सक से परामर्श करें यदि वे बने रहते हैं या यदि आप उनके बारे में चिंतित हैं। जेमा के सामान्य दुष्प्रभाव। हाइपोग्लाइसीमिया, निम्न रक्त शर्करा का स्तर, सिर दर्द, जी मिचलाना, दस्त, पेट फूलना। जेमा टैबलेट PR का इस्तेमाल कैसे करें? अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका इस्तेमाल करें या उपयोग करने से पहले दिशा निर्देशों के लिए लेबल की जांच करें। जेमा 2 टैबलेट PR को भोजन के साथ लेना बेहतर होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।